नमस्कार। कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग के जो शेष भाग थे, आइए हम उस पर आज चर्चा करेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना अत्यंत ही लोकप्रिय है और पाठ्य पुस्तकों में भी यह वर्णित है। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को सुनेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए सुनते हैं। पिया भीम ने विश्लाक्षागृह जला हुआ वनवासी, केश हर्षिता प्रिया सवा सम्मुख कहलाई दासी। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। कितनी मार्वेलस पंक्ति है, गौर कीजिएगा कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूल बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का द्रप चमकता जिसके पीछे वह जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा नहीं निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का किससे वाणी का छल है। फलक क्षमा का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता, वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। वे क्या जाने नर में वह क्या असहनशील अनल है, जो लगते हैं स्पर्श हृदय में सिर पर उठता बल है। जिनकी भुजाओं की शिराएं फरकी ही नहीं, जिनके लहू में नहीं बेग है अनल का, शिव का पदोह पै जिनका है रहा, चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का। जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, ठेस लगते ही अहंकार नहीं छल का। जिनको सहारा नहीं भुज है प्रताप का, बैठे भरोसा किए वे ही आत्मबल का। तो इसके आगे की पंक्ति हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो महाभारत के इस प्रसंग से जो चीज़ें कहने की कोशिश की है, वो चीज़ें हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज में तभी पूजा जाता है जब उसमें आत्मबल हो, जब उसमें पौरुष हो और उसमें प्रभुता हो। इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए कि अपनी प्रभुता को आगे बढ़ाया जाए, अपने आत्मबल को आगे बढ़ाया जाए और अपने अंदर ऐसी योग्यता को विकसित किया जाए जो योग्यता उसको उस स्थान तक पहुंचा दे। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की ही एक कविता की एक पंक्ति है कि जब हुआ धनुर्धर मैं नामी, सब लोग हुए हित के कामी। ये महाभारत की पंक्ति है। कर्ण के विषय में आपने सुना ही होगा कि भगवान कृष्ण उनसे पूछने जाते हैं कि भाई कर्ण, आप जो हैं सो इस तरह से कुंती के पुत्र हैं और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो आप पांडवों के खेमे में आ जाए। इसी प्रसंग पर कर्ण कहते हैं कि जब हुआ धनुर्धर मैं नामी, सब लोग हुए हित के कामी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। आगे की चर्चा जो है वो अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।